एबीपी न्यूज के साथ है। ओसिया विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही थी, कांग्रेस की दिव्या मदेना वहां से प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उनको हराकर बैराराम सियोल ने जीत हासिल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, किस तरह से लग रहा है आपको? थैंक यू, मैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से और सभी दर्शकों को आपको बहुत बहुत ऐसा धन्यवाद ऐसे ज्ञापित करता हूँ। इस बार का जो चुनाव है वो ओसिया की एक टीम ने, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने पूरा मिलकर लड़ा है। आदरणीय भाई शंभू सिंह ने, महेंद्र सिंह जी ने, हमने बैठ के एक पूरी रणनीति बनाई। एक एक अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, एक पूरी टीम ने बैठ के एक रणनीति बनाई और सब ने अपना अपना काम लिया और बड़ी जिम्मेवारी के साथ दिन और रात, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिंबल जो है वो घोषणा यदुशा देरी से हुई थी, लेकिन फिर भी पार्टी के वरिष्ठ जनों ने यदुशा सब ने मिलकर काम किया और एक अच्छी जो है जीत ओसिया की जनता ने दी। मैं पूरे ओसिया क्षेत्रवासियों को और ओसिया की पूरी जनता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, सबको ऐसा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस ऐसा जीत की रणनीति में हमारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय महेंद्र सिंह जी का, शंभू सिंह जी का, पूरी पार्टी के नेताओं का, जिलाध्यक्ष का, सबका बहुत बड़ा सहयोग है और पूरी टीम ने काम किया है। जिस तरह से ओसिया में अब आपकी क्या रहेगी प्राथमिकता, क्या कुछ करना है अब? प्रत्येक ओसिया के जो विकास के आयाम में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, पेयजल में हो, चिकित्सा में हो, शिक्षा में हो, विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे घरेलू बिजली हो, चाहे कृषि बिजली हो, उसमें ऐसा है सब में जो जो काम ओसिया में नहीं हुए वो सारे विकास के आयाम दिए जाएंगे, विकास के काम किए जाएंगे और आम जनता के साथ बैठकर उन कामों को अंजाम दिया जाएगा। जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला अब आपको, तो अब एक सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन आपके मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल होगा। एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।